हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा और ये आज आपको मेरे बाल कैसे लग रहे हैं। मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, काफ़ी सॉफ्ट लग रहे हैं। काफ़ी दिनों बाद ऐसे लग रहे हैं मुझे बाल, क्योंकि मैंने आज ट्राई किया ये एस्टेक क्ले। ये बेंटोनाइट क्ले है, कैल्शियम बेंटोनाइट क्ले, 100% नेचुरल है। इसको आज मैं अपने बालों पर अप्लाई करने वाली हूँ और फेस पर अप्लाई करके मैं देख चुकी हूँ। उसका पूरा फुल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई बटन पर मिल जाएगा, ज़रूर चेक कीजिएगा। और ये कमाल का प्रोडक्ट है, बहुत अच्छे से काम करता है और फर्स्ट टाइम इसको अपने हेयर पर अप्लाई करने वाली हूँ। तो ये जो क्ले है ये 100% नेचुरल है। इसमें कैल्शियम है, इसमें पोटेशियम है, इसमें अच्छे अच्छे मिनरल्स हैं जो कि बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। बेनिफिट्स की बात करूँ तो इची स्कैल्प, डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, आपके बालों स्कैल्प पर कोई इन्फेक्शन है, ये सारी प्रॉब्लम्स को दूर करता है। इसके साथ ही हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, फ्रिजी बाल होते हैं उनको फ्रिज फ्री बनाता है और बालों में शाइन प्रोवाइड करता है। बालों की हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि ये बालों पर भी अप्लाई किया जाता है, क्योंकि पहले मैं काफ़ी दिनों से इसको फेस पर अप्लाई कर रही हूँ। पर कल ही मैंने देखा कि बहुत सारे लोग इसको बालों पर भी अप्लाई कर रहे हैं और बालों के लिए भी ये बेनिफिशियल है। तो मैंने सोचा इसको चलो मैं ट्राई करके देखती हूँ। तो इसका पैक बनाने के लिए आप ये पाउडर ले लीजिए, अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग ले लीजिए। तो मैंने 4-5 चम्मच लिए हैं और इसको आप वाटर या फिर एप्पल साइडर विनेगर के साथ मिक्स कर सकते हैं। मैं एप्पल साइडर, इनका ही एप्पल साइडर विनेगर आता है, उसको मिक्स करी हूँ। और फिर आप कोई भी करियर ऑयल मिक्स कर सकते हैं। तो मैं यहाँ कैस्टर ऑयल और कोकोनट ऑयल ले रही हूँ। आप चाहे तो ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, एविकाडो ऑयल ले सकते हैं, जो भी ऑयल आपके पास हो वो आप ले सकते हैं। और एक इसका अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लीजिए। तो अब मैंने इसमें एप्पल साइडर विनेगर भी डाला, अब मैं इसमें वाटर मिक्स कर रही हूँ, जिससे मैं इसका एक अच्छा पेस्ट तैयार कर पाऊँ। आप चाहें तो सिर्फ वाटर के साथ मिक्स करके भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, और वाटर के साथ इसको मिक्स करके आप हेयर वॉश करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बस मैं ये कहूँगी कि जब भी आप इसको अप्लाई करते हैं, इसमें कोई भी करियर ऑयल ज़रूर मिक्स कीजिए। तो इसका अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लीजिए, जिससे कि बालों पे लगाने में इजी रहे और कोई भी लम्स इसमें नहीं होने चाहिए जब आप इसको बालों पे लगाते हैं। तब काफ़ी दिन हो गए मैंने बालों पे कुछ भी नहीं लगाया, कोई भी मास्क वगैरह नहीं लगाया है। तो बालों की हालत आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा फ्रिजी हो गए हैं, ड्राई हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं। तो चलिए आप इस पैक को लगा लेते हैं। पूरे बालों पे अच्छे से आप कवर कर लीजिए, स्कैल्प पे लगाइए और लेंथ पे भी आप अच्छे से इस मास्क को लगा लीजिए। और आपको इस मास्क को सिर्फ 20 मिनट्स तक लगा के रखना है, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आप लगा के रखते हो तो आपके बालों में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए सिर्फ 20 मिनट्स ही सफिशिएंट है। और उसके बाद आप नॉर्मल वाटर से धो सकते हो, या फिर आप अगर नॉर्मल वाटर से धोते हो उसके बाद कंडीशनर ज़रूर करना, और शैम्पू से धोते हो तब तो कंडीशनर करना ही करना है। और मैं इस तरह से अपने बालों पे पूरे अच्छे से लगा लेती हूँ, 20 मिनट तक वेट करूँगी और फिर इसको मैं वॉश कर लूँगी। तो चलिए देखते हैं वॉश करने के बाद कैसे रिजल्ट मिलते हैं। तो हेयर वॉश करने के बाद सबसे पहले मैंने अपना स्कैल्प चेक किया। स्कैल्प बहुत ज़्यादा क्लीन लग रहा है, आप देख सकते हो, बाल सॉफ्ट लग रहे हैं, सिल्की लग रहे हैं। और फर्स्ट टाइम मैंने अप्लाई किया, उसके हिसाब से तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले और बालों को टच करने में भी अच्छा लग रहा है। टेंगल फ्री है, फ्रिज फ्री है बाल, तो मुझे बहुत पसंद आया। आप भी बालों पर ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, बहुत अच्छा है ये बालों के लिए, आपके बालों को हेल्दी बनाएगा। और बिल्कुल आप इसको अप्लाई करना, जैसे भी रिजल्ट्स मिलते हैं मेरे साथ शेयर ज़रूर करना। इस प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।